आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, कुछ देर पहले राहुल गांधी जो हैं तेजस्वी यादव की रैली यानी कि महागठबंधन की रैली को संबोधित करने के लिए देखिए पटना पहुंचे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी उनके साथ हैं। अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचे हैं। पत्रकारों ने उनसे वहां सवाल कर दिया है कि कैसे मोदी को हटाएंगे। उन्होंने कहा कि 80 उत्तर प्रदेश और 40 बिहार, 120 का मतलब हुआ मोदी साफ। जी हाँ, ये तो बात सच्चाई है कि यदि उत्तर प्रदेश में की 80 में 80 आ जाएं और बिहार की 40 में 40 सीटें महागठबंधन को मिल जाएं तो भाजपा सत्ता से ऐसे ही दूर हो जाएगी। सुनवा देते हैं अखिलेश यादव को एयरपोर्ट पर क्या कह रहे हैं। अखिलेश, 120 हराओ भाजपा हटाओ, 120 हराओ भाजपा हटाओ। किसान दुखी है, नौजवान के हाथ में नौकरी नहीं और 10 साल के उनके कार्यकाल में क्या उपलब्धि है जनता के लिए, ये बड़े सवाल हैं। हमें उम्मीद है यूपी के साथ साथ बिहार भी बदलाव की तरफ चलेगा। और तेजस्वी यादव देखिए खड़े हुए हैं, संक्षेप में उनके भाषण को हम आप तक पहुंचा दे रहे हैं। तेजस्वी यादव ने सबसे पहले तो आज आरजेडी का मतलब समझा दिया। उन्होंने कहा आरजेडी का मतलब, आर का मतलब राइट, जे का मतलब जनता और डी का मतलब डेवलपमेंट। सुनवाते हैं पूरा आरजेडी का मतलब क्या कुछ तेजस्वी यादव ने पटना के ऐतिहासिक गांधी मंच से बताया है, देखिए। मोदी जी कुछ भी कहते रहे लेकिन आरजेडी का मतलब है आज से राइट्स यानी अधिकार, जे से जॉब मतलब नौकरियां और डी से डेवलपमेंट मतलब विकास यानी अधिकार नौकरियां विकास, राइट्स जॉब डेवलपमेंट, ये है आरजेडी का मतलब। और तेजस्वी यादव अपने भाषण में आज बड़ी चुटकियां ले रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि चाचा की छोड़िए क्या कहें, राकेश रोशन का एक गाना था, कभी मैं इधर चला कभी उधर चला, इसे गाकर तेजस्वी यादव ने कैसे जनता का एक तरह से मनोरंजन कर दिया, ये भी देख लीजिए। एक बार गाना सुना है आप लोग, ऋतिक रोशन का फिल्म का गाना है, इधर चला मैं उधर चला, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, अरे अरे फिसल गया, अरे चाचा जी चलिए आप बुजुर्ग हैं आप तो यहीं से हाथ जोड़ करके प्रणाम, लेकिन एक बात तय है जदयू 2024 में खत्म हो जाएगी, ये मेरा कहना है। बताओ सच्ची बात है कि नहीं, जदयू का तो भविष्य है क्या, कोई भविष्य नहीं है, आप इधर चलिए उधर चलिए, अब आपका कुछ बचबे नहीं करेगा तो आप फिसल जाओगे कहीं के नहीं रहोगे। और चलते चलते कुछ वो झांकियां छोड़े जाते हैं जो गांधी मैदान से हमारे पास पहुंच रही हैं, जनसलाब का वो नजारा, वो कुछ नाच, वो गाने, सब कुछ आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।